उमर यार, खुदा के बंदे इतनी धूप पे यार जल्दी से पानी ला दे यार, बड़ी मेहरबानी तेरी यार। उठा उठा उठा। अबे ओ, अच्छा तो वो तू है जो रोजाना मेरी रेड़ी से फल चुरा के ले के जाता है। नहीं मैं नहीं हूँ, बाकी बच्चे चुराते हैं, मैं तो आज ही। आज ही के बच्चे? आज मैं तुझे तेरे सर के पास ले गयी। नहीं अंकल, नहीं अंकल, वही तुमसे पूछेंगे बेटा। चल चल चल। शाबाश, अच्छी तरह चमकाओ। मासी और हमारे काम में कुछ फर्क तो नजर आना चाहिए ना। आप इतनी जल्दी कैसे? मीरा किधर? वो सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम ये क्या कर रही हो? मैं वो हाँ वो फारिग बैठी थी तो सोचा सफाई कर लूँ कुछ। अच्छा तुम चलो जरा मेरे साथ जल्दी। कहाँ जाना? वो आसिफ के स्कूल से फोन आया था, उन्होंने बुलाया। या अल्लाह, सब सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब। बच्चा है, कोई गोल खिला दिया होगा, परेशान होने की बात नहीं है। भाई बताए ना, आसिफ ठीक तो है? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही उन्होंने बुलाया तो मैं यहीं से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुम्हें लेता जाऊंगा। माँ होना साथ, चलो चलो आ जाओ जल्दी से। आप जल्दी चलो। शाबाश, हाँ जाओ भाई के साथ। वो मजीद के रिश्ते की बात का क्या बना, कहाँ तक पहुंची बात? अम्मा इसीलिए तो आई हूँ मैं। मैंने सरदार से बात कर दी है। लो उससे क्यों बात की तुमने? क्यों तो और क्या, वो क्यों चाहेगी कि उसके घर से काम करने वाला, सुकून देने वाला चला जाए? नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, जब खर्चे ज्यादा बढ़ जाए ना तो फिर इंसान उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। पता नहीं अब मीरा क्या सोचेगी। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती उससे? नहीं अम्मा, पहले सरदार को जवाब दे लेने दें, फिर सोचेंगे क्या करना है। क्यों? वैसे भाभी सोबिया मेरे घर आने को बिल्कुल तैयार है। हाँ लेकिन पहले तुम उसका घर समीना जैसा बना लो, फिर सोचना। हाँ भाई, बड़ी बड़ी फरमाइशें हैं उसकी। अल्लाह पूरी करने वाली जात है अम्मा, इंशाल्लाह सब कुछ हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी हाँ, वरना तो ये हलक से निकलवा लेगी।